महामंत्री आदरणीय तरुण सुखवाल जी पे हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए सौभाग्य की बात है कि उनका कार्यकाल के अंदर उन्होंने जो हमें संगठन की रचना में और खासकर इन वर्षों में हमें संगठन की जानकारी दी, किस तरह से संगठन को सहयोग करते हुए हमें यहाँ तक लेकर आए। आज 25 से हम 29 MLA बनकर जो है जम्मू कश्मीर की आवाज बन रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राजा जी से अनुरोध करूंगी वह मंच पर आए। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय भाई सुनील शर्मा जी से उनसे भी अनुरोध है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय भाई जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय खटाना साहब, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आए। हमारे बीच में हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक पोल जी, उनसे भी अनुरोध है कि वे भी मंच पर आए अपना स्थान लें। विधिवत तरीके से हम आदरणीय हमारे महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी का हम स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे बहुत सीनियर नेता, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई रविंद्र गुप्ता जी, उनसे भी अनुरोध है कि वे भी मंच पर आए अपना स्थान लें। आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वह फूलों का गुच्छ देकर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी का स्वागत Gracias.
एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत का होना चाहिए। हम 25 सीटों से जीतकर आज 29 सीटों पे पहुंचे हैं, तो आप सब यहां पर, मैं अब अनुरोध करूंगी डॉक्टर प्रदीप भगवता जी से, हमारे मीडिया इंचार्ज के वंदे मातरम से शुरुआत करें। भारत माता की जय। सभी साथ देंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम। जानते हैं कि हमारे बीच में देवेंद्र राणा जी नहीं था, आज उनका उठाला है। उठाले के समय 3 से 4 बजे कोल कंडोली मंदिर में हम सब लोग पहली बार मिले हैं। बीच में एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ हुआ भी है, आज हम उनको यहाँ श्रद्धांजलि भी देंगे और साथ में ही परसों ही एक हमारे बहुत ही श्रेष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर मोहनलाल प्राशर, जो सुंदरबनी के थे, सुंदरबनी में रहते थे, उनका भी निधन स्वर्गवास हो गया। और वो जो स्वर्गवास हुआ वो भी एक ऐसा एक विचित्र प्रसंग बना कि वहां के एमएलए का स्वागत हो रहा था, उस स्वागत में वो भाषण कर रहे थे और भाषण करते करते वो पूरे हो गए। 2-3 मिनट वो बोल पाए, 2-3 मिनट बोलने के बाद कुर्सी पर बैठे और कुर्सी से ही लुढ़क गए और उनका भी निधन हुआ। ऐसे दोनों आत्माओं को हम 2 मिनट के लिए खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि। जानते हैं कि हमारे सभी विधायकों ने, जो 28 विधायकों ने अपना लीडर ऑफ द पार्टी, पूर्व लीडर ऑफ द पार्टी बाय वर्चू लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए, लेकिन उनको हमने लीडर ऑफ द पार्टी चुना और वो भी पहली बार आज कार्यालय में आए हैं। वो प्रदेश के महामंत्री है, ये बात तो ठीक है, लेकिन लीडर बनने के बाद पहली बार
हमारे पास इस बैठक में आए हैं। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि उनका भी स्वागत। निवेदन करूंगी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भाई सर शर्मा जी से कि वे अपना अध्यक्षीय जो हमारा संबोधन है महोत्सव के बीच में। Gracias.